वो 70 के दशक का सबसे दुर्दांत गेंदबाज था, जिस पर उसकी बॉलिंग एक्शन को लेकर उसके करियर में कई बार सवाल उठे, पर जब क्रिकेट की गेंद उसके हाथों से छूटती थी तो ये कहना मुश्किल होता था कि वो सामने खड़े बैट्समैन के बल्ले से टकराएगी या सिर से। एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसे जाना जाता है उसके करियर के फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में साल 1959-60 में वेस्टइंडीज के दौरे पर गई मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की टीम के खिलाफ उसकी उस बेहतरीन बॉलिंग स्पेल के लिए, जिसमें उसने उस दौर के तीन दिग्गज बैट्समैन कोलिन कॉड्रे, माइक स्मिथ और पीटर मे का विकेट लेकर सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच के अनुभव के साथ वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। वो कद्दावर फास्ट बॉलर जिसकी पेस और बाउंस के सामने बल्लेबाजों के कभी पैर लड़खड़ा जाते थे तो कभी उन्हें अपने करियर की भेंट चढ़ानी पड़ती थी। और कुछ ऐसा ही घटा पूर्व भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जब साल 1961-62 के वेस्टइंडीज दौरे पर उसकी बाउंसर से वो बच नहीं सके और उसकी गेंद कॉन्ट्रैक्टर के सिर के पिछले भाग में लगी, जिसके कारण वो लगभग 6 हफ्तों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे और उसके बाद इस चोट के कारण उन्हें क्रिकेट से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास लेना पड़ा। क्रिकेट की दुनिया के मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिकेट लेजेंड की अपनी इस प्रेजेंटेशन में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 70 के दशक के वेस्टइंडीज के तेज तर्रार गेंदबाज चार्ली ग्रिफिथ से जुड़ी कुछ सुनी और कुछ अनसुनी क्रिकेट कहानी, क्रिकेटिया भैया की जुबानी। इस वीडियो में हम आगे आज जानेंगे कि किस तरह 1960 से 69 के अपने 9 साल की क्रिकेट करियर में वो बैट्समैन नाइटमेयर बने और वो कौन सी उपलब्धियां या विवाद रहे जिसने उन्हें 70 के दशक का सबसे खूंखार और विवादास्पद फास्ट बॉलर बना दिया। चार्ली ग्रिफिथ का क्रिकेट में डेब्यू। वेस्टइंडीज के सेंट लूसी बारबाडोस में 14 दिसंबर 1938 को जन्मे सर चार्ली ग्रिफिथ ने अपने स्कूल के दिनों में और क्लब लेवल पर क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत बतौर विकेटकीपर, बैट्समैन और स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी। लेकिन क्लब क्रिकेट खेलते हुए एक दिन उन्होंने बतौर तेज गेंदबाज खेलने का निर्णय लिया और अपने पहले स्पेल में 7 रन पर उन्हें सिर्फ 1 सफलता मिली। पर जब बारबाडोस की तरफ से मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के साल 1959-60 के वेस्टइंडीज दौरे पर बतौर तेज गेंदबाज उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच खेला, तो अपने शानदार यादगार स्पेल में उन्होंने एमसीसी की तरफ से खेल रहे एक या दो नहीं बल्कि 3-3 कद्दावर बल्लेबाज कोलिन कॉड्रे, माइक स्मिथ और पीटर मे को अपनी पेस और बाउंस से न सिर्फ परेशान किया बल्कि उन्हें चकमा देते हुए आउट कर पवेलियन में भी बिठा दिया। कहा जाता है कि उनके इस परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर सेलेक्टर्स ने 25 मार्च 1960 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में वेस्ट हॉल के साथ उन्हें बतौर तेज गेंदबाज वेस्टइंडीज के इंग्लैंड दौरे पर गई टेस्ट टीम की तरफ से डेब्यू करने का सुनहरा मौका दिया और इसके बाद लगभग एक दशक तक वेस्ट हॉल और चार्ली ग्रिफिथ वेस्टइंडीज बॉलिंग लाइनअप के दो प्रमुख तेज गेंदबाज बने। चार्ली ग्रिफिथ ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में कुल 96 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 21.60 की बॉलिंग एवरेज से 332 विकेट लिए, जिसमें 17 बार एक मैच की एक इनिंग्स में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लिए, जबकि एक बार एक मैच में 10 या उससे अधिक विकेट लिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 23 रन देकर 8 विकेट रहा। जब ग्रिफिथ की गेंद ने भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर का करियर खत्म कर दिया। साल 1961-62 के भारत के वेस्टइंडीज दौरे पर चार्ली ग्रिफिथ ने बारबाडोस की तरफ से खेलते हुए अपने घातक स्पेल में एक ऐसी गेंद फेंकी जिसकी क्रिकेट हलके में काफ़ी आलोचना हुई, पर उनके द्वारा इस स्पेल में फेंके गए उस बाउंसर के बाद क्रिकेट की पिच पर अब बैट्समैन उनसे डरने और सतर्क रहने लगे। दरअसल बारबाडोस की टीम और भारत की तरफ से खेले गए इस मैच में
उस दौर के भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर ओपनिंग कर रहे थे, तभी जब ग्रिफिथ की एक तेज तरार बाउंसर को उन्होंने मिसजज किया और उसे डिफेंस करने का प्रयास किया, गेंद उनके सिर के पिछले भाग पर लगी। ये गेंद इतनी तेज थी कि भारतीय कप्तान को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 6 दिन तक वो बेहोश रहे और उसके बाद कभी दोबारा भारत की तरफ से नहीं खेल पाए। जब साल 1963 में ग्रिफिथ ने अपने करियर का बेस्ट स्पेल फेंका, साल 1963 में वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, जहां इस सीरीज में चार्ली ग्रिफिथ सबसे कामयाब तेज गेंदबाज रहे। उन्होंने सीरीज में कुल 32 विकेट लिए और हेडिंगली में खेले गए इस दौरे के एक टेस्ट मैच में उन्होंने मैच में कुल 9 विकेट लेते हुए अपने करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर हासिल किया, जो कि 36 रन देकर 6 विकेट रहा। चार्ली ग्रिफिथ ने वेस्टइंडीज की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए साल 1960 से 69 तक कुल 28 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 28.54 की बॉलिंग एवरेज से 94 विकेट लिए, जिसमें 5 बार एक इनिंग्स में 5 या उससे अधिक विकेट चटकाए। हालांकि अपने 9 साल के इंटरनेशनल करियर में अपनी संदिग्ध बॉलिंग एक्शन को लेकर चार्ली ग्रिफिथ चकिंग के आरोपों से हमेशा घिरे रहे और उनकी जिस बाउंसर गेंद पर भारतीय कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर इंजर्ड हुए, उसे कॉन्ट्रैक्टर के साथ उस मैच में बैटिंग कर रहे रूसी सूरती ने भी कहा कि उन्होंने वो गेंद थ्रो फेंकी थी। इसके अलावा एक बार वेस्टइंडीज दौरे पर गई ऑस्ट्रेलियन टीम स्टाफ और खिलाड़ियों ने भी उन पर थ्रोइंग और क्रिकेट बॉल को चकिंग करने का आरोप लगाया, पर इन सब के बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं है कि साल 1960 से 69 तक वेस्टइंडीज की बॉलिंग लाइनअप की ग्रिफिथ वेस हॉल के साथ एक प्रमुख धुरी रहे और इस दौर के सबसे घातक और खूंखार गेंदबाज के रूप में क्रिकेट इतिहास में वो सदा याद किए जाएंगे। दोस्तों, चार्ली ग्रिफिथ के क्रिकेट करियर से जुड़ी ये दिलचस्प जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की एक और क्रिकेट लेजेंड की क्रिकेट कहानी सुनने और देखने के लिए हमसे तुरंत जुड़ें।